तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एपेक्स लेजेंड की प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो भी हमारे पास जो एपेक्स लेजेंड के बारे में इशू है तो आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चार पांच गेम और हैं जो इंडिया में बहुत जल्द आने वाले हैं और मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार एपेक्स लेजेंड में खेल नहीं पा रहा हूँ, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना वीडियो अच्छे लगे तो। इसी के साथ जल्दी से आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस आज मैं आपको एपेक्स लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा। तो भाई ये जो गेम है ना यार, मुझे खेलने का बहुत मन है लेकिन मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। जी यार मेरे डिवाइस में पता क्या इनकम्पैटिबल दिखा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये देखो वाइस इनकम्पैटिबल दिखा रहा है, योर डिवाइस इज इनकम्पैटिबल विद दिस वर्जन। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, किसी का प्रीरजिस्ट्रेशन हो गया तो किसी का इनकम्पैटिबल दिखा रहा है, तो किसी का चलने के बावजूद भी चलते चलते बंद हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो गाइस मैं आपको बताऊँ ये सब क्यों हो रहा है। उसका भी वर्जन आया है, वो सिर्फ बेटा वर्जन ही आया, ये अभी तक ग्लोबल नहीं आया। तो ग्लोबल जो आएगा वो दिसंबर तक आएगा, तो शायद आपको अगर ढंग से चलाना है इसको या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसका दिसंबर तक वेट करिए। और गाइस आपको एक बात तो मैं बता दूँ, चाहे आपके भाई मतलब कितना भी अच्छा फ़ोन हो, कि भाई आपके पास स्नैपड्रैगन 888 भी क्यों ना हो, भाई उसमें भी ये इनकम्पैटिबल दिखा रहा है। क्योंकि भाई वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भाई ये गेम सिर्फ 1000 लोगों के लिए आया था, जिन्होंने पिटीशन कर लिया उनको उनके में चल रहा है, और जिन्होंने नहीं किया ना तो उनके में ये चीज़ आ रही है। वो इसलिए ही आ रही है क्योंकि भाई ये गेम ना अभी तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ, और जिस टाइम भाई लॉन्च होगा ना दिसंबर के आसपास तो भाई ग्लोबली लॉन्च होगा, तो भाई सबके फ़ोन में चलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, कभी आप सोच रहे कि भाई मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन है और भाई उसके बावजूद भी भाई गेम नहीं चल रहा, तो टेंशन मत लीजिए भाई। पर आपके पास एक मौका हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। जैसे गेम अप्रैल में 1000 लोगों के लिए आया था और जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन किया था तो उनके डिवाइस में चल रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ना तो भाई वो मई में जाके कर सकते हैं, क्योंकि वो मई में फिर से आ रहा है लेकिन सिर्फ 1000 लोगों के लिए, और वो भी भाई इंडिया में नहीं फिलीपींस में आ रहा है। तो आप भाई VPN यूज़ कर सकते हो, और फिलीपीन का VPN यूज़ करके आप प्ले स्टोर पर जाके भाई इसको प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब भी आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता तो भाई आप इसको टैप टैप से जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये देखो भाई ये टैप टैप से प्री रजिस्ट्रेशन हुआ मेरे फ़ोन से, क्योंकि भाई मेरे प्ले स्टोर में इनकम्पैटिबल दिखा रहा, तो भाई मैंने फ़िलहाल टैप टैप से किया हुआ है। बाकी भाई गेम जब तक दिसंबर में नहीं आता जब तक भाई हम खेल नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। और भाई ये गेम ना अभी फ़िलहाल 30 FPS पर चलता है, 60 पे अभी ऑप्शन नहीं आया, वो जब आएगा जब ग्लोबली रिलीज़ होगा। और अभी भाई गेम जो है ना इसकी हाई सेटिंग्स भी नहीं आई है, तो वो जब ही आएगी जब ग्लोबली रिलीज़ होगी। तो फिलहाल एपेक्स लेजेंड आ चुका है, और जो लोग खेल रहे भाई वो इसके मज़े लो, जो नहीं खेल रहे भाई वो उदास मत हो, उनके लिए भी है भाई मई में चांस। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसे टैप टैप से जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसी में ही फ़ायदा है, और जब ग्लोबली रिलीज़ होगा तो आप इसे ढंग से खेल ही पाओगे, और मैंने भी ऐसे किया हुआ है। बाकी मैं आपको एक बात और बताता हूँ गाइस, अगर आप सोच रहे हो ना कि इसको मैं क्रोम से जाकर डाउनलोड कर लूँगा या जेडा अचीवर यूज़ कर लूँगा या कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा, तो गाइस मत करिए, आपका डाटा वेस्ट होना है, कुछ फ़ायदा नहीं होने का। आपका 1.5 GB या 2 GB आपको जो मिलता है वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और गेम आपको नहीं चलेगा। तो भाई कुछ भी कर लो, या तो आप इसका दिसंबर तक इंतज़ार कर लो, नहीं तो आप मई में कर लो फिलीपींस का VPN लगा के, और ऐसा करोगे तो शायद आपका गेम एक बार को दिखा दे प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन चल सकता है, और नहीं तो टैप टैप से ही कर लो, उसमें जब आएगा तो आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि अगर मेरे फ़ोन में अभी तक आता ना तो भाई मैं अपने चैनल पे आप इसकी वीडियो भाई अपलोड कर चुका होता यार, और अब तक तो मैं इसका गेम प्ले भी डालता था। और गाइस अगर आप इसको इंस्टॉल करते भी हो किसी और वेबसाइट से और चलाते भी हो तो भाई आपको यही गेम दिखाएगा इनवैलिड लाइसेंस या ब्लैक स्क्रीन, और चलते चलते बंद हो जाएगा, गेम नहीं चलेगा। तो गाइस अगले गेम की हम बात करें तो वो वैलोरेंट मोबाइल है भाई, इस गेम ने हमें लुरा दिया यार, ये गेम भाई अभी तक हमें फ़ोन में देखने को नहीं मिला है, PC में तो आ चुका है और भाई उसने तो आग लगा रखी है PC में तो, लेकिन वैलोरेंट मोबाइल भाई अभी तक हमें अपने फ़ोन में देखने को नहीं मिला। और बाकी भाई मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि भाई कब तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने चेक किया था तो उसमें भाई 2022 तक बता रहा था। बाकी ये फ़ोन ना अभी तक हमें देखने को नहीं मिला भाई, इसके कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि ये गेम कब आएगा। ये वैसे भी भाई
मतलब पता नहीं होता कि कब आएगा, तो मैंने इसे फिर भी भाई इसे वीडियो में रख दिया, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वैलोरेंट का भी भाई अभी कुछ नहीं पता कि ये कब तक आएगा गेम। बाकी बात करें तो अपने अगले गेम की, तो भाई डेविल मे क्राई मोबाइल गेम जो है हमें इस साल देखने को मिल चुका है और प्ले स्टोर पर शायद आ चुका है या नहीं आ चुका है इतना मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में भाई प्ले स्टोर पर नहीं दिखाई दे रहा, और अगर आपकी में भी नहीं दिखा रहा तो आप भी इसको टैप टैप से कर लीजिए, क्या पता उससे आपका होने के बाद चल भी जाए। और ये जो गेम है ना भाई, ये थोड़ा चाइनीज़ से लिंक है और उस पर थोड़ा बेस्ड है, तो भाई आपको पता ही है कि चाइना से कैसे हालात चल रहे हैं हमारे इस वक्त, तो भाई गेम इंडिया में पता नहीं कि कैसे आएगा, कब आ सकता और शायद ना भी आए। और बट भाई वैसे तो ये गेम आ चुका है यार, बट मैं इसकी कंफर्म न्यूज़ कैसे दूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता यार, मैं तो अभी खुद सब सर्च कर रहा हूँ कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ, ये गेम भी मुझे खेलना है बट अभी नहीं खेल पा रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपको ट्राई करना तो आप शायद इसका VPN मतलब VPN यूज़ कर सकते हो और उससे आपको चल सकता है, बाकी इतना ही मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस गेम बहुत बेहतरीन है, ये गेम आपको बिल्कुल गॉड ऑफ वार वाली फीलिंग देगा, जो आप PC पे खेलते हो या अपने कंप्यूटर पे खेलते हो ये गेम वैसे ही है और आपके फ़ोन में आ चुका है। बट गाइस जहाँ तक बात करें तो मेरे हिसाब से ये गेम आ चुका है यार, क्योंकि मैंने इसका गेम प्ले देख चुका हूँ यूट्यूब पे, तो भाई ये गेम आ चुका है। तो बात करें अपने नेक्स्ट गेम की, तो भाई ये फौजी है, इसको भी मुझे रखना पड़ा लिस्ट में क्योंकि भाई इसका जो टीम डेथ मैच है वो हमें देखने को मिलने वाला है जुलाई तक मिल जाएगा शायद, और टीम डेथ मैच काफ़ी अच्छा है और पहले से तो बहुत बेटर है, लेकिन भाई ये गेम टट्टी रहेगा और रहेगा भाई, चाहे 2 साल बीत जाए चाहे 3 साल बीत जाए। इस गेम को भाई जिसने भी बनाया, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा इंडिया वालों की, लेकिन भाई इंडिया में ना भाई गेम नहीं बन सकता, चाहे कैसा भी गेम हो भाई, लेकिन वो ग्राफिक्स वगैरह सब नहीं डाल सकते। तो भाई इस गेम के बारे में मैं क्या ही कहूँ, तो आप छोड़िए, तो उसका टीम डेथ मैच आ रहा है भाई जुलाई तक आ जाएगा, तो वेट करिए जब तक। सो भाई लास्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं अपने पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ, जो भाई काफ़ी समय से हमें इंतज़ार करवा रहा है, तो और फाइनली हमें भाई मई में देखने को मिल जाएगा। और डायनमो ने भाई अपने स्ट्रीम पे कंफर्म किया था कि भाई सिंगल डिजिट पे ट्रेलर आएगा और डबल डिजिट पे गेम आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, ये गेम हमें मई तक देखने को मिल जाएगा। और कुछ पबजी मोबाइल इंडिया के चैनल की तरफ से कुछ लीक्स निकल के आए थे, आज 4 वीडियो एक साथ अपलोड हुई और फिर डिलीट भी हो गई, तो उसका मतलब यही है कि भाई उन्होंने लीक दी थी या कुछ भी और न्यूज़ आई थी, तो यही था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। बट कोई नहीं, हमें गेम मई तक देखने को मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना कैसे लगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।